नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मेरा जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर आप लोग देख रहा है, और मेरा वेबसाइट पे, मेरा फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी को मैंने पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ एलिमेंट इंट्रोडक्शन किया था और आप लोगों को दिखाया था मेरा पिछले वीडियो पे, वो अभी भी मेरा वेबसाइट पे मेरा वो वीडियो अपलोडेड है, और उधर से आप लोग भी देख सकता है। ये स्टॉक 10 वर्सेस निफ्टी, ये आप लोगों को बहुत काम पे लगेगा, क्योंकि कौन सा स्टॉक कौन निफ्टी का हिसाब से कैसे बिहेव कर रहा है वो आप लोगों को पता चलेगा कि ये निफ्टी के साथ ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, जा रहा है वो आप लोग प्रैक्टिकली मार्केट में देख सकते हैं। और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो ये कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना नीचे तक जा रहा है, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। कमोडिटी में भी ऐसा ही किया है, कमोडिटी का इंडेक्स का हिसाब से इधर स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा भी लगाया। और मैंने जो और एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ तो ये है कि इधर मैंने एक और एक एलिमेंट इंट्रोडक्शन किया है, वो है रिवर्सल पॉइंट। ये आप लोगों का वन लिखा हिसाब से ये रिवर्सल पॉइंट होगा, इस इधर से आप लोग ट्रेंड रिवर्स होगा, बाई कोई अप ट्रेंड इसके नीचे आएगा तो ये सेल में जाएगा। ये पिवट पॉइंट मूविंग एवरेज वो भी देखे कर सकता है। और एक बात है, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, इधर देखिए मूविंग एवरेज देखिए MA5 इतना वैल्यू है, मूविंग एवरेज 15 है। आप लोग जो लोग ट्रेंड देख के क्रॉस ओवर देख के करना चाहता है तो ये आप लोग देख सकता है। और ये दिखा है 52 वीक का, 52 वीक का दिखेगा आप लोग को। तो ये सोच लीजिए कोई 15-30 का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखना चाहता है, तो ये देखिए 15 का ऊपर है लेकिन 30 का ये कम है, तो 15-30 का ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है। तो ये इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और LTP भी प्राइस भी फर्स्टली 15 और 30 का ऊपर होना चाहिए, 15 का वैल्यू 30 का ज़्यादा होना चाहिए, और LTP का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो भी 15-30 से ज़्यादा होना चाहिए। वो तो है लेकिन 15 देखिए 30 का 15 ऊपर है, 15-30 का नीचे है, तो ये इसमें आप लोग देख सकते हैं 15-30 का क्रॉस ओवर हो चुका है। तो ये देखिए और 5, लेकिन 5 और 200 का देखिए, 5 और 200 ये लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब बोलना का उद्देश्य यही है कि आप लोग इसको ठीक से इसका फ़ायदा उठा सके। इधर इधर से आप लोग सभी टाइप का स्क्रीनिंग आप लोग जो जितना चाहिए वो आप लोग को मिल जाएगा। इधर बाई सेल लेवल LTP पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, वेरियस टाइम फ्रेम पे पोजीशन देख सकता है, इधर न्यू नियर हाई लो देख सकता है, न्यू हाई लोज देख सकता है, चेंजिंग प्राइस, पॉजिटिव चेंजेस, कौन पॉजिटिव चेंज हो रहा है, कौन सा नेगेटिव चेंज हो रहा है, और कौन सा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम वो भी देखना चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज देख सकता है, इधर प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने रखा है, ये सब से आप लोग स्क्रीनिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और प्रोबेबल हाई लो 1 डे का हिसाब से, 3 डे का हिसाब से, 5 डे का हिसाब से, 15 डे का हिसाब से, 30 डे का हिसाब से प्रोबेबल हाई लो कितना हो सकता है वो आप लोग देख सकते हैं। तो आते हैं अभी स्क्रीनिंग करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट किया, इसको फिल्टर लगाया, इसको हो सकता है मेरा ये वीडियो कंप्लीट एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा पार्ट हो सकता है। ग्रेटर देन 100 कर लेता है LTP को पहले, उसके बाद ट्रेंड देखिए, मैंने आप ट्रेंड दिखा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो इसको
वो भी टी वन का फर्स्ट